नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। जनपद हापुड़ में बड़ी सड़क दुर्घटना में दो की मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। दिल्ली से मुरादाबाद बारात में जा रही थी बस। लगभग 14 सवारियों से भरी थी बारात की बस, दूसरी बस को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। जनपद के जिलाधिकारी अनुज कुमार सहित पुलिस अधीक्षक हापुड़ मौके पर मौजूद। सभी घायलों को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। जनपद हापुड़ के गढ़कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का मामला। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माऊ मा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में मां सरस्वती हवन यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल प्रधानाचार्य प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रबंधक व सभासद प्रदीप की सरवानी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल मौर्य, संरक्षक अशोक खंत्री, अध्यापिका अनुराधा देवी, साहिबा सतीश चौरसिया, आशुतोष सोनी सहित तमाम स्टाफ कर्मचारी मौजूद रहे। विद्यालय सदस्य अजीत साहू, सचिन साहू, मनीष साहू, रवि साहू, संजय संगनी, पुनित सोनी, पिंटू, अनुराधा साहू, आशुतोष सोनी, निशी, प्रियंका, साइबा, आर्यन, शिवांग, श्रेयांश एवं छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे। बच्चों की प्रतिभा व विद्यालय परिवेश को देखकर मुख्य अतिथि ने समस्त शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया तथा इस पावन पर्व पर सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आज बसंत पंचमी है, आज के ही दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को जन्म दिया कि उनकी रचना को वाणी मिले। माँ सरस्वती जी ने बाद में साहित्य, संगीत और कला हम सब लोगों को दिया, उन्हीं का हम लोग आज जन्मदिन मनाए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बसंत पंचमी का मनाया गया और इसमें हमारे स्टाफ के और नंदलाल डॉक्टर जी और इस क्षेत्र का जिला प्रमुख सुधीर मौर्य जी, ऐसे सभी साथियों का हमारा इन लोग का आशीर्वाद रहता है। बसंत पंचमी के उत्सव पर हम यहाँ पर बच्चों द्वारा, आचार्य सब द्वारा, अध्यापकों द्वारा यहाँ पर बसंत पूजा मनाया गया और यहाँ पर सरस्वती माँ सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे, हवन हुआ, पूजा हुआ, सारे उपस्थित अभिभावक उपस्थित हुए। बड़ी खुशी की बात है, माँ सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, विद्या दे और उन्नति। बीसीएन न्यूज के लिए माऊ मा प्रयागराज से रवि चंद्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव को सपा पार्टी से निकाले जाने पर सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। शिकोहाबाद में सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामगोपाल यादव के आगमन पर शिकोहाबाद में सपा पार्टी के कार्यकर्ता में दौड़ी खुशी की लहर। इसके साथ साथ सपा पार्टी से सिरसागंज विधायक हरिओम यादव को निकाले जाने पर खुशी में इतने उथल पुथल हो गए कि कार्यकर्ता की उन्होंने जमकर बांटी मिठाई। शिकोहाबाद से विजेंद्र यादव एवं इनके पुत्र और अन्य कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव की आगमन पर एवं सिरसागंज विधायक हरिओम यादव को सपा पार्टी से निकाले जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए जमकर बांटी मिठाई। आज यहाँ 300 साल से एक रावण रूपी राक्षस पनपा हुआ था, वह समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया है। इस खुशी में हमने लड्डू बांटे, हमने बांटे, पूरे क्षेत्र में लड्डू बट रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मोनू जैन के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के कुशल मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा तिलक विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में कुल 284 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा है, इसमें 70 मुस्लिम जोड़े भी शामिल है। इस सामूहिक विवाह में कई अधिकारियों के अलावा सदर विधायक मनीष असीज, मेयर नितिन राठौर आदि लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुसार प्रदेश में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने के उद्देश्य प्रदेश भर में सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाता है। इसी क्रम में आज फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज के प्रांगण में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के कुशल निर्देशन में 284 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह में कुल 70 मुस्लिम जोड़ों ने भाग भी लिया। आपको बता दें, अब पहले इस सामूहिक विवाह के लिए सरकार द्वारा 20,000 की सहायता की राशि कन्या को दी जाती थी।
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वह राशि बढ़ाकर 91,000 कर दी है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 284 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे जा रहे हैं। इस सामूहिक विवाह में समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत विभाग व अन्य विभागों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान देते हुए सामूहिक विवाह में भाग लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी चंद्र सिंह के अलावा सदर विधायक मनीष असीजा, शिकोहाबाद विधायक मुकेश शर्मा, फिरोजाबाद की मेयर नितिन राठौर ने भी भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के एक विचार में एक भावना जो जन्म ली वो ये थी कि समाज में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं। मैं पूर्व में अच्छे से मुझे याद है कि मैं विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज की बेटियों का, पिछड़े वर्ग की बेटियों का, सामान्य वर्ग की बेटियों का और SC ST वर्ग की बेटियों के सामूहिक विवाह, सामूहिक नहीं, विवाह की अनुदान राशि के ऊपर लगातार प्रश्न करता था। हर बेटी जो साझा होती है वो विभिन्न जाति या धर्म में बटी हुई थी। योगी जी ने अभूतपूर्ण निर्णय लिया, अल्पसंख्यक बेटी नहीं है, पिछड़ी बेटी नहीं है, SC ST बेटी नहीं है, सामान्य बेटी नहीं है, बेटी सब साझा है, बेटी सबकी एक जैसी है। इस भावना से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन का कंसेप्ट किया। यह सामूहिक विवाह बड़े ही धूमधाम और गाजीबाजी के साथ कराया जा रहा है। उत्सव सभी नगर प्रेमियों ने प्रतिनिधि वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए सामूहिक विवाह प्रांगण में मौजूद है। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से शुभम जादौन के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन बड़ा दिवस होने के बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही खुली कुर्सी दिखाई दी। SDM SSP ने लिया भाग, अधिकारियों पर फर्जी निस्तारण जांच में लापरवाही। जनता के साथ समाधान दिवस के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। शिकायतकर्ता को मालूम नहीं पड़ता फर्जी निस्तारण का आरोप लगाते हुए सुभाष सेवा समिति ने शिकोहाबाद तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद यादव के नेतृत्व धरना प्रदर्शन किया गया और SDM को ज्ञापन सौंपा गया। जनता की शिकायतों के फर्जी निस्तारण के लेके धरने पे बैठे हैं। जनता जो शिकायतें करती है उनके फर्जी निस्तारण कर दिए जाते हैं। जनता अपने आप को ठगासा महसूस करती है, चाहे वो शिकायत पोर्टल पर डाली जाए, चाहे तहसील दिवस में दी जाए, चाहे थाना दिवस में दी जाए। और हम जिस भी अधिकारी की शिकायत करते हैं जाँच उसी अधिकारी को दे दी जाती है। वो अधिकारी अपनी शिकायत में लिख देता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत मनगढ़ंत और झूठी है। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से शुभम जादौन के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।